आज हम लोग मूंगा की सब्जी बनाएंगे। ये देखो बहुत ही लजीज बनती है, मसालेदार। जैसे मछली की होती है ना झोर, वैसे ही मूंगा की झोर बनाते हैं हम लोग। और ये बहुत ही फायदेमंद करती है शुगर के लिए, तो ये बहुत ही फायदा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसके टुकड़े कर देते हैं। और एक ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि सभी लोग इससे दूर भागते हैं बनाने से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बॉयल करने में और मसाले के साथ पकाने में। तो हम क्या करेंगे ना कि एक सीटी का लगा देते हैं कुकर में और उसको थोड़ी सी, देखो ये देखो पक गया है ना, तो जल्दी से ये फटाफट मसाले में पक भी जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसको मसाले में डाल के इसको फिर से यूज कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले इसकी तरी बनाते हैं। इसके लिए हम फ़ोरन डालेंगे और 1 चम्मच प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिला देते हैं इसमें। चलो डाल दिया हमने, और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और उसके बाद 1 कटोरी हम टमाटर पेस्ट मिला देते हैं। अब हम मसाले मिला लेते हैं। इसमें सरसों पेस्ट ज़रूरी है डालना, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1-1 चम्मच, सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। ये सारे मसालों को हम भून लेते हैं। अब उसमें हम मूंगा को मिला देंगे, पानी के साथ मिलाएंगे जो उसका पानी है, क्योंकि सारा बॉयल होने के बाद उसमें विटामिन्स आ जाते हैं ना, इसीलिए फेंकेंगे नहीं। ये देखो इसका कलर आ गया है, देख रहे कितना सुंदर लग रहा है। जितना देखने में उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मछली की झोर की तरह ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।